हेलो गाइस, देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग का A10 है, SM A105F, और इसमें देख सकते हैं FRP लॉक लगा हुआ है। और आज हम ये देखते हैं कि FRP लॉक अनलॉक कैसे होता है बाई अनलॉक टूल से। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपना टूल ऑन, अनलॉक टूल ऑन कर लें। मैं पहले से ऑन करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो सबसे पहले आप जो है अनलॉक टूल ऑन करने के बाद में आप सैमसंग पे आ जाएं, और उसके बाद में दूसरे ऑप्शन फंक्शन पे आ जाएं। यहाँ से आप ज़रूरी नहीं यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करें तभी हो, आप सीधा यहाँ फंक्शन पे आ जाएं। फंक्शन पे आने के बाद में इरेज FRP पे ओके कर दें, कंटिन्यू कर दें, और यहाँ से मेथड पोर्ट क्लिक कर दें, या तो सिंपल मेथड न्यू कर देते हैं। यहाँ पे आप चारों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मेथड से काम करेगा तो एक ही बार में हो जाएगा। बाकी हम मेथड न्यू ट्राई करते हैं सबसे पहले। फिर फ़ोन को क्या करेंगे, हम इमरजेंसी कॉल पे आ जाएंगे और इस पे डायल करेंगे *#0*##, और देख सकते हैं ये इसका ADB इनेबल हो जाएगा। और फिर हम इसमें केबल इंसर्ट कर देंगे अपना। देख सकते हैं गाइस, मेरा ड्राइवर ले चुका है, और हम जो है इसको आपके सामने रख देते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली दिखता रहे। और उसके बाद में हम यहाँ से फिर आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिमूव FRP 2023 पे क्लिक कर देंगे, दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, मेथड न्यू पे ट्राई करेंगे और देखते हैं मेथड न्यू पे काम करता है कि नहीं करता है। और देख सकते हैं गाइस, ये मेरा मेथड काम कर रहा है, और देख सकते हैं मोबाइल पे एक पॉपअप आ गया है। तो हम इस पे ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे और अलाउ कर देंगे, दोबारा से ऑलवेज अलाउ करके इसको भी अलाउ कर देंगे, इसको भी, और अलाउ USB डबिंग को भी अलाउ कर देंगे। और बाकी देख सकते हैं मेरा प्रोसेस वहाँ से चल रहा है, देख सकते हैं एक इंटरफेस आ जाएगा। और इंटरफेस आने के बाद में देख सकते हैं हम यहाँ पे सैमसंग सेटअप विजार्ड पे क्लिक करके ऑलवेज क्लिक कर देंगे, और आई हैव एग्री ऑल टर्म कंडीशंस पे जो है क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, और ये सीधा हमको होम स्क्रीन पे पहुँचा देगा। देख सकते हैं गाइस, मेरा FRP डन हो चुका है। और जिन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बस हो गया।